कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो, बिग बॉस और कौन बनेगा करोड़पति को पछाड़कर टॉप 5 में शामिल हो चुका है। यानी कृष्णा अभिषेक, जो अपने बयानों के जरिए छोटी छोटी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, उसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में याद होगा आपको, रिसेंटली कृष्णा अभिषेक ने मजाक मजाक में कपिल शर्मा को कह दिया था तू चुप रहे, और एक बार फिर से कृष्णा ने ऐसा ही किया है। इस बार कृष्णा ने अर्चना पूरन सिंह पर इल्जाम लगा दिया है, कह दिया है कि आए दिन मेरे मामले में दखल देती हैं। दरअसल कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे हुए थे राजकुमार राव, मौनी रॉय और बोमन ईरानी। इसी बीच कपिल शर्मा शो में पार्लर चलाने वाली सपना का कैरेक्टर प्ले कर रहे कृष्णा ने अर्चना को लेकर बड़ी बात कह दी। मजाक मजाक में उन्होंने कहा कि अर्चना शो की क्रिएटिव टीम के काम में दखल देती है, गंदे जोक्स लिखती है, इन जोक्स को सुनकर लोग हंसते ही नहीं हैं। वेल, आपको बता दें, बार बार इस बात को दोहराने के बाद बोमन ने भी इन्हें ज्वाइन किया और अर्चना से परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए इस तरह के गंदे जोक लिखना बंद करने की रिक्वेस्ट की। वेल, आपको बता दें, कृष्णा अभिषेक के इस जोक क्रैक करने वाले एटीट्यूड को सेट पर सबने पसंद किया, लेकिन लोग सपना यानी कृष्णा को लेकर कह रहे हैं कब तक अपनी ही टीम के लोगों का मजाक उड़ाओगी। पहले कृष्णा अभिषेक ने कपिल शर्मा का मजाक उड़ाया और अब कृष्णा अभिषेक ने अर्चना पूरन सिंह का मजाक उड़ा दिया। वेल, अब कृष्णा के मजाक किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन सच तो यही है, ये जितने भी मजाक कृष्णा करते हैं, ये शो की टीआरपी पर एक अच्छा असर डालते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।